हेलो फ्रेंड्स, शुद्ध शाकाहारी भोजन में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं हमने बॉईल आलू 8 लिया हुआ है। आलू को हमने पहले से बॉईल कर रखा था और आज हम बहुत ही टेस्टी से आलू की सब्जी बनाएंगे। उसके लिए हमने 100 ग्राम हरा मटर, बिल्कुल फ्रेश मटर लिया है। 2 बारीक कटी हुई प्याज इसमें डालेंगे मसाले के तौर पर। 3 टमाटर डालेंगे, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा टमाटर डालने से। सबसे पहले अपनी कढ़ाई को गर्म कर लें, जैसा कि हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कुकिंग ऑयल आप जो भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तो हम मस्टर्ड ऑयल यहाँ यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को आधे मिनट तक गर्म होने दें हाई फ्लेम पर। छौंक में हम 1/4 टेबल स्पून राई डाल रहे हैं, आप मस्टर्ड सीड्स भी डाल सकते हैं इसमें। और छौंक में हम हरी मिर्च, अदरक इसमें ऐड करेंगे। 3 हमने हरी मिर्च लिया हुआ है और अदरक बारीक कटी हुई। सबसे पहले हरी मिर्च डालेंगे, अदरक, तब हम प्याज डाल करके प्याज को भूजेंगे। गैस का फ्लेम अब मीडियम कर लें और प्याज को थोड़ा ब्राउन कर लें। दो तेज पत्ता डालेंगे, तेज पत्ते को अच्छे से मिला लेंगे ताकि टेस्ट जो है वो घुल जाए इसमें तेल में। और बीच में हम सब चीज़ों को कर देते हैं ताकि जले ना, वो तेल में ही रहे और अच्छे से जल्दी से पक जाए। अब फ्रेश हरी मटर हम डाल रहे हैं। नमक अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लें। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, अच्छे से इसको मिला लें। टेस्ट मेकर के तौर पे आप देख सकते हैं पनीर चिली मसाला 1 टेबल स्पून लिए हुए हैं और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको घोल करके हम डालेंगे। इससे क्या होता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छे से इसको मिक्स कर ले पानी में और इसको डालने से क्या होता है, सब्जी का टेस्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी सा इसमें टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से आप ट्राई करके देखें। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, बस थोड़ा देर इसको घोल लें। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, जो हमने 3 बारीक कटी हुई टमाटर रखी हुई है हम डाल देंगे। टमाटर आलू की बहुत ही खट्टी सी सब्जी हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी सी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए बनाने तो आप इस तरीके से बना करके आलू की सब्जी खा सकते हैं। थोड़ा टमाटर, थोड़ा हरा मटर ऐड कर लें और बिल्कुल टेस्ट मेकर आप डाल लें और इसको बनाते रहें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा टमाटर को नरम करेंगे, तो आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो लगभग हमारी नरम हो चुकी है। इसको मिला ले बस। इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि टमाटर जो है वो खड़ा खड़ा ना रह जाए, वो उस रस्से की तरह आए। बिल्कुल पानी अब डाल, हम इसमें 3 कप यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा रस्सेदार इसको नहीं बनाएंगे। थोड़ा बस थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दिखे इस तरीके का हम डालेंगे इसमें। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई कर लें और इसको उबाल आने दें। और जब एक उबाल इसमें आ जाएगा तो इसमें हम आलू जो है बॉईल करके रखे हुए हैं काट करके, वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमने गोल गोल आलू को कटिंग की हुई है। आलू हमने पहले से बॉईल कर रखा था, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई करके इसको हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा ये गाढ़ापन जब इसमें आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ दिए, ज़्यादा लिक्विड नहीं रहनी चाहिए, जब थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा तो बस हमारी सब्जी जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी, आलू की टेस्टी सी सब्जी। और जो इसमें टमाटर है वो घुल जाएगा, बिल्कुल केवल रस्सा दिखेगा। हरा लहसुन 2 हमने कटिंग की हुई है, 2 कली इसमें हम डाल देंगे ऊपर से। और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हरा लहसुन, और इसको ऊपर से डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सीजन है तो डाल करके खाइए इस तरीके से, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ईजी तरीके से बनाइए। इसको हम थोड़ी देर ढक करके छोड़ देते हैं, थोड़ा सा जो आलू जो है वो रस्से को, मसाले को ऑब्जर्व कर लेगा। 3 मिनट हम इसको ढक देंगे।
तो आप देख सकते हैं गाढ़ापन आ चुका है हमारी सब्जी में और बन के तैयार हो चुकी है सब्जी। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी आलू मटर और टमाटर की ये टेस्टी टेस्टी सी सब्जी है। बिल्कुल पूड़ी की तरह साथ इसको खाइए, बहुत टेस्ट लगेगा। और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बस नीचे जो रेड बटन है उस पर क्लिक कर दे और उसके बगल में जो बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें। उसको प्रेस करने से आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें बताइएगा, और पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और मिलते हैं अपने हेल्दी वीडियो के साथ नेक्स्ट में, और हम बहुत ही हेल्दी हेल्दी डिश डालते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए।